लोग देख लो यहाँ पे प्लांटर चलाया जा रहा है, और आप लोगों को प्लांटर के साथ साथ चल के हम दिखा भी दे रहे हैं। यहाँ पे जो आलू का लगान है पिछले से वो बहुत ही कम है मतलब, और साथ में चेचक वगैरह भी है इसमें, और ये आलू जो है पुष्कर आलू है। ये देखो आप लोग, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे पहले इसमें बहुत ज़्यादा आलू हुआ करते थे, लेकिन इस बार पैदावार कम होने के कारण मतलब जो आलू हैं बहुत ही कम निकल रहे हैं ऐसा हमें लग रहा है। बात आगे ये भी आप लोगों को यहाँ के जो किसान भाई हैं उसे बातचीत करवाएंगे और जानेंगे कि आलू का जो सिस्टम है वो कैसा है। ये आप लोग देख पा रहे हो ये आलू खुदाई हो रही है, ये खेत पूरा का पूरा इनका बड़ा खेत। मतलब अगर दो आलू बड़े निकलेंगे तो छह आलू छोटे निकल रहे हैं ऐसा हम देख पा रहे हैं, अगर दो आलू बड़े तो छह आलू छोटे छोटे निकल रहे हैं। बाद बाकी ये आप लोग पूरे पूरे खेत में देख पा रहे हो आलू जो हैं खुदे पड़े हैं, मतलब इसमें पहले से ही प्लांटर चलाया जा चुका है, और इधर कुछ ग्रीडिंग वगैरह भी हो रही है, सारे के सारे कट्टे लगे हुए हैं, और जिसमें कि लोग बाग यहाँ पे अपना जो है ग्रीडिंग वगैरह भी कर रहे हैं बाकायदा। यहाँ पे हर अच्छी तरीके से आलू की खेत की खुदाई जारी है और कट्टे भी निकाले जा चुके हैं। तो अभी जो किसान भाई हैं उनसे थोड़ा बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि इनके खेत में पिछले साल के बच्चा से इस साल आलू का क्या कैसा रुझान रहा है। तो अभी यहाँ पे बराबर खुदाई चली रही है, आप लोग आलू और एक बार देख लो, आप लोगों को दिखा देते हैं थोड़ा। ये देख लो इस आलू की कीमत, इसमें से आप अगर ग्रीडिंग करके आलू लेके जाएंगे ना तो इस आलू की कीमत आज भी आपका आलू 530-35 रुपए बेचेगा, और आमतौर पे अगर अच्छी बात करें कोई खेत पे ही व्यापारी आ जाए तो वो 550 रुपए से भी बिक जाएगा ऐसा हमें लग रहा है। बाद बाकी अब आप लोगों को थोड़ा हम गाड़ी पे बैठ के और प्लांटर पे बैठेंगे और गाड़ी चलेगी, हम आप लोगों को आलू दिखाएंगे सीधा सीधा। अभी ट्रैक्टर बैक हो रहा है, बाद बाकी ये बेड़ा वगैरह खोद लिए है अभी। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप लोग आंखों से देख पाओगे कि जो आलू में पैदावार है वो कैसी है और किस प्रकार से आलू की खुदाई होती है प्लांटर से। ये आप लोग खुदाई देख पा रहे हो, आलू की खुदाई हो रही प्लांटर से, और देखो इसमें इस बार आलू की जो मात्रा है बहुत कम दिखाई दे रही होगी आप लोगों को खुदी। और एक साथ में कई कुड़ी खुद रही, देखो दो एक साथ में दो कुड़ी खुदती हैं, और ये दो कुड़ी का आलू आप लोग देख पा रहे हो इस प्लांटर में भी देख लो, बाकी इसके पीछे जो पड़े हैं वो भी आप लोग खुद ही देख पा रहे हो। इस बार अगर दो आलू बड़े बड़े हैं तो छह आलू छोटे छोटे हैं, मतलब आलू का जो फुलान है मतलब आलू जो है सही से फूल नहीं पाया, और लगान वगैरह है वो तो लगभग ठीक है, बाद बाकी आलू जो है साइज वगैरह थोड़ा कम रह गया है, और इसी हिसाब से जो आलू का मतलब एवरेज है वो भी कम निकलेगा, मतलब थोड़े कट्टे भी कम निकलेंगे। अभी बात करेंगे इस खेत के जो किसान भाई हैं उनसे।
इस आलू खेत के किसान हैं। और ये नाम क्या भाई साहब आपका? अवधेश कुमार। कई बीघा का खेत है आपका ये? ये 4 एकड़ का। 4 एकड़ का मतलब 4×5=30। 20 बीघा। मतलब 20। 20 बीघा। हाँ 20 बीघा का खेत है ये। इसमें क्या कैसा एवरेज पिछले साल से क्या अलग लग रहा है इस साल आपको? पिछले साल इस बार जो है 20% जो है पैदावार कम हुई है। पिछले साल से 20% पैदावार आपको इस साल कम लग रही है? और ये आपने जो आलू भरे शायद ग्रेडिंग करके भरवा रहे हो ना? हाँ। ये सब आलू बेचा जाएगा या कोल्ड जाएगा? ये कोल्ड जाएगा। कोल्ड जाएगा। और इस साल हम देख रहे हैं कि ये जो है खराब की मात्रा कुछ ज़्यादा दिखाई दे रही है मुझे। इसमें हरा ज़्यादा हो गया। हरा क्यों हो गया ये? हरा क्यों हो गया? ये यहाँ पानी बरस गया था, मतलब बारिश हुआ था तो झुलसा वगैरह भी आया होगा। झुलसा भी आया तो इसी वजह से नहीं, थोड़ा हल्का साइज रह गया। हाँ अगर झुलसा ना आता तो शायद और साइज बढ़ जाता। बढ़ जाता। तो क्या एवरेज निकलेगा इस साल? इस साल एवरेज निकलेगा 35-40 कट्टी का। मतलब 35-40 का। और पहले कितना निकला करता था जब अच्छी फसल हो जाती तो? 50-55-60 था। 50-55-60। लेकिन इस साल मालूम पड़ रहा है कि 40-45 है बस। तो ये आप लोग देख पा रहे हो ये एवरेज निकलने वाला है। बाकी आपके हिसाब से आलू का क्या भविष्य वगैरह रह सकता है, किसानों के लिए क्या अच्छा होगा इस साल? इस साल आने वाले टाइम पर यहाँ कम से कम 8 रुपये कट्टी बिकना चाहिए। आने वाले टाइम मतलब कोल्ड स्टोर से अभी कुछ दिन में? अभी तो 500 रुपये बिक रहा है। अभी तो 500 रुपये आपका ये बढ़िया आलू है। अभी इसका रेट है कम से कम 500-550 हो सकता है अगर आप ग्रेडिंग करके लेके जाओगे। बाकी आपका कहने का मतलब ये है कि जब कोल्ड स्टोर से है आलू की बिक्री 700-800 होना चाहिए। इस साल किसानों का मतलब सही दाम मिल सकता है ऐसा लग रहा है, इसका रीज़न क्या है साहब कुछ? इसका रीज़न यही है कि ये जो है ये यहाँ झुलसा लगा हुआ, पानी बरसा, कम से कम 1.5 महीने तक यहाँ लगातार जो है ठंडक रही, इसलिए साइज छोटा हो गया। इसलिए साइज छोटा हो गया है और पैदावार कम है। तो ये जो आप लोग जो है हालात देख रहे हो आलू की, ये आपको हर जगह की एक ही जैसी हालात है। और इनके खेत में पुष्कर आलू है। हमारे खेत में लगभग मतलब इक्का दुक्का 4-5 किसान जो हैं वो पुष्कर आलू ज़्यादा किया करते हैं, मतलब पुष्कर आलू उनको ज़्यादा पसंद आता है। तो ये इनका पूरा का पूरा खेत है और इन्होंने इस आलू को खुदाई कर दिया है। बादा कि ये लोग कह रहे हैं कि कोल्ड स्टोर में रखेंगे, तो इनके अनुमान से आलू का जो भविष्य है ठीक ठाक रहने वाला है। बादा कि ये हम भी सोच रहे हैं कि हाँ वाकई में आलू का भविष्य ठीक रहने वाला है। बादा कि आप लोग अपने हिसाब से अपने आलू का रख रखाव करें और बिक्री कर सकते हैं।